हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, मैं जस्ट अभी यहाँ पर बाहर आया टहलने के लिए। तो गाइस, मैंने नहा धो के यूनिफॉर्म भी पहन ली, तुम देख सकते हो। तो गाइस, मेरे 9 बजे स्कूल लगेगी, तो अभी तो मैं यहाँ पर टहलने के लिए आऊँ। तो मस्त पीछे देखो, कड़क धूप निकल गई है, तो मैं बाहर ऐसे टहलने के लिए आता हूँ, बढ़िया रहता है शरीर। और वैसे सूरज अभी भी वो भी नारा होगा, फ्रेश वगैरह होगा, खाना वगैरह खाएंगे, तो 9 बज जाएगी। उसके बाद मैं स्कूल जाऊँगा, तो तुम्हें पता ही, स्कूल तो जाना पड़ेगा। तो गाइस, अभी यहाँ पर ही ऐसे ही मैं टहलने के बाहर आ गया। तो गाइस, हमारे 6 मार्च से पेपर शुरू होंगे, तो अभी तो क्या है, 15 तारीख है, तो अभी का थोड़ा 15-20 दिन पड़े हुए हैं। तो वैसे मान लो 10 दिन है, क्योंकि छुट्टियाँ वगैरह काफ़ी आएंगी, तो तुम्हें पता है। तो एक तो बोर्ड के पेपर है, तो मुझे काफ़ी रिविज़न करनी पड़ेगी, तो इसलिए। और काफ़ी तुम्हें पता दूर है, काफ़ी यहाँ से देख लो तुम, 25 किलोमीटर है सुल्तानपुर। तो सुल्तानपुर में हमारे बोर्ड के पेपर पड़ेंगे वहाँ पर, तो वो भी एक प्राइवेट स्कूल होगी, तो वहाँ पर पढ़ेंगे। अभी मैं वहाँ पर उस स्कूल में जाकर तो आया नहीं हूँ, पता नहीं अब काम कैसे स्कूल होगी, कैसे बच्चे होंगे वहाँ पर। तो हमें तो पेपर ही करना है, हमें स्कूल से क्या लेना। तो गाइस, बढ़िया रिविज़न करके जाएंगे, जैसे कि वहाँ पर बहुत सख्ताई होगी, मुझे पता है। तो हमारे टीचर वगैरह कहते हैं कि वहाँ पर बहुत सख्ताई होगी, तो फुल रिविज़न कर लो तुम स्कूल की। तो गाइस, के लिए मैं एक भी छुट्टी नहीं करता हूँ। तुम्हें बताया, कल भी बसंत पंचमी थी, तब भी मैंने छुट्टी नहीं की, क्योंकि तुम्हें पता बोर्ड के पेपर है। तो बोर्ड के पेपर में छुट्टी करेंगे तो हमारा नुकसान होगा, तो मैडम कहती छुट्टी नहीं कर, वैसे ही मैं नहीं करता हूँ, तुम्हें पता ही जाता है छुट्टी। तो गाइस, जब मेरे फर्स्ट बार पेपर हुए थे ना, तो वो बोर्ड के पेपर हुए थे मेरे 5th में। तो गाइस, वहाँ पर वो भी मेरे प्राइवेट स्कूल में ही हुए थे, तो वहाँ पर भी बहुत बहुत सख्ताई थी, तुम्हें पता। तो गाइस, पन तब भी मैं आ गया था, सेकेंड आया था, तो हम एक बच्चा फर्स्ट आ गया, मैं सेकेंड आया। तो गाइस, वहाँ पर बहुत रुके, तब मैंने पढ़ाई भी की थी, तो बढ़िया रिवीजन करके गया घर से, तो वहाँ पर अच्छे नंबर आ गए। नहीं गाइस, एक बच्चे को यहाँ से उधर नहीं उठने देते, इतनी सख्ती होती है वहाँ पर। तो मैंने 5th में पेपर दिए थे ना, जब मुझे पता है वहाँ पर कितनी सख्ती होती है, तो मैं अब रिवीजन करके जाता हूँ, तो सही रहेगी गाइस। रिवीजन कर लिया तो सही रहेंगे, वहाँ पर पेपर आराम से दे देंगे, नहीं यहाँ से वहाँ नहीं देखने देते हैं पेपर वालों। तो गाइस, मुझे टहलते टहलते यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है, मैं 7 बजे आया था घर से, तो 7:30 हो गए यहाँ पर। तो अब चलते हैं घर की तरफ, जब मैं खाना वगैरह खाऊंगा तो 8 बज ही जाएंगे, फिर 9 बजे घर पे, वहाँ पर स्कूल चले जाएंगे हम, तो आधे 1 घंटे में तो पहुँच ही जाएंगे स्कूल। चलो चलते गाइस, काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर मुझे टहलते हुए। गाइस, स्कूल से वापस आते हुए समय मिलते हैं हम, बाय। हेलो गाइस, मैं स्कूल से आ चुका हूँ, तो अभी जस्ट यहाँ पर तो यूनिफॉर्म वगैरह चेंज की, तो कपड़े पहने, तो गाइस अभी जस्ट आया। हेलो गाइस, ये देखो कल बसंत थी, अभी तक ये पतंग उड़ाएगा अभी जाके, तो अभी इसको टेप को पतंग को चेपी जा रहा है, तो फट गई है, देख सकते हो काफी फटी, तब भी इसने काफी जोड़ ली है, देखो। तो बसंत तो चली गई, अब क्यों उड़ाएगा सूरज? मैं बच्चे हुई तो पतंग उड़ाऊंगा। कह रहा है जो कल की थी पतंगे तो वो उड़ाऊंगा, तो उड़ाएगा अभी, जाएगा छत पे, तो काफी, तो कल थी बसंत तो आज भी उड़ा रहे हैं। अभी जस्ट स्कूल से आए, स्कूल से आने के बाद इसने यूनिफॉर्म वगैरह चेंज की, सीधे ही पतंग देखने और उड़ाएगा खुद पे जाके। हेलो गाइस, तो अभी मुझे स्कूल से मैं आया था जस्ट, तो स्कूल में से तुम्हें पता है, तो मुझे PDF मिली है कुछ, तो इसमें पार्ट है, तो पार्ट लेसन वगैरह है, तो उसकी फोटो कॉपी निकालनी है, तो मैं निकाल के लाएंगे, चलो। तो गाइस, ये वो PDF है, तो इसमें से ये लेसन वगैरह है वैसे ही। तो ये देखो, द अर्थ नीड्स योर पोएम, तो ये पार्ट के नेम है, तो काफ़ी है। तो इसकी फ़ोटो कॉपी वगैरह निकालनी है, तो सर ने दी है, तो ये देखो काफ़ी पार्ट ही है अभी तक तो। ये नोट्स हैं, तुम देख सकते हो, तो ये पेपर में आएगी ना, तो इसके लिए याद करने के लिए सही रहेगी, तो एक PDF निकाल दी सही रहती है। ये स्टोरी है वगैरह, एप्लीकेशन किधर है गाइस? वो रह गई बस, तो पीछे हो गई एप्लीकेशन। तो भाई, इसी यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं मिल रही है, कंपन इसमें हो गई, तो इसमें कराने, तुम्हें पता है। तो थोड़ी शाम को जाएंगे, तो इसकी फोटो वगैरह कॉपी निकाल के लाएंगे, तुम्हें पता है, तो इजी रहेंगी याद करने में, तो सही है। ज़्यादा पेज नहीं, मेरे ख्याल 12 पेज है, तो वो ही है बस, याद करना है इसको, तो सही है गाइस। एक बुक में से हम याद करते हैं ना, वो मुश्किल होती है। तो गाइस, शाम को चलेंगे गेट पे, तो इसकी फ़ोटो कॉपी वगैरह निकाल के लाएंगे,
तो अभी तो शाम के 4 बजे हैं, तो अभी तो नहीं जाएंगे, थोड़ी शाम होगी फिर जाएंगे, तो इसकी फोटोकॉपी वगैरह निकाल के लाएंगे। तो भाई इसको याद करने के लिए सही रहेगा ना, तो इसके लिए सर ने दिए कि इजी हो जाएगा तुम्हें याद करने के लिए, तो सही रहेगा, तो इसको ले आएंगे कॉपी। तो गाइस शाम के बज गए हैं 6, तो चलते हैं वो इसकी फोटो कॉपी निकालने। तो गाइस मेरे ख्याल से ये 10 संग होंगे, तो 3 रुपये की एक फोटो कॉपी निकलेगी, तो 30 रुपये होंगे, तो चलते हैं इसके, तो पैसे लेके मम्मी से, तो इसकी फोटो कॉपी वगैरह निकाल के चलते हैं। हेलो गाइस, तो पापा गए हुए हैं गेट पे, तो पापा आएंगे तो उनसे पैसे वगैरह लेके फिर हम चलेंगे गेट पे। तो गाइस अभी मैं छत पर आया हूँ, तो तुम देख सकते हो कितना खिलारा वगैरह पाया हूँ मैंने पीछे, तो ये साफ वगैरह करेंगे सर। तो गाइस देखो यहाँ पर ही आलू फेंक दिए, यहाँ पर ही सारा कुछ खिलार दिया हुआ। तो गाइस सफाई नहीं मंजा भी देखो यहाँ पर ही, मैं आया था दोपहर को तो संतरे वगैरह यहीं खाया, तो यहीं कचरा वगैरह कर दिया, तो इसको साफ करेंगे कल यहाँ पर ही। ये उस दिन सूरज ने यहाँ पर इसमें कलर किया था गाइस, ये देख सकते हो सूरज ने कर दिया था कलर, और कलर वाली आपको डब्बी दिखा दो किसमें क्या सूरज ने गाइस, इस वाली डब्बी में देखो ब्रश लेके उसने कलर कर दिया, और उसने चौक कैसे बनाए हुए गाइस देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो गाइस चौक पता नहीं कैसा बनाया उसने, और वो यहाँ पर ही गाड़ी वगैरह रखता है, खेलता भी है, और उसने ये देखो किराए को भी हल कर दिया यहाँ पर गाइस, इसको भी सुखाया हुआ रखा है यहाँ पर सुखाने के लिए, इसको भी कर दिया बढ़िया। तो गाइस यहाँ पर वो खेलता है, तो यहाँ पर इसने कलर वगैरह कर दिया। हेलो गाइस, तो पापा आ चुके हैं नीचे, तो पापा नीचे आ गए, तो उनसे पैसे लेके हम चलते हैं अब इसकी फोटो तो काफी, तो गाइस काफी टाइम हो गया, तो चलते हैं अब। गाइस सूरज अभी तक देखो पतंग उड़ाई जा रहा है, सुबह से स्कूल से आया पतंग ही उड़ाई जा रहा है, शाम के देख लो 6:30 या 6 बज गए हैं, तो अभी ये पतंग उड़ाई जा रहा है, अब भागता भागता वहाँ कोने में चला जाएगा, वो जा रहा है। गाइस मैं दीपक आए हैं दोनों, तो फोटो कॉपी निकालने के लिए, तो वो निकल रही है प्रिंट वहाँ पर, तो आपको दिखाते हैं प्रिंट, वो भैया निकाल रहे हैं प्रिंट, तो ये दुकान है भैया जी की। तो गाइस हमने पीडीएफ निकाल चुके हैं, तो ये है पीडीएफ, तो दीपक भाई भी हमारे साथ है, दीपक भाई कह रहे हैं तो दूर चुके हैं चलते हैं। हेलो गाइस, तो खान की दुकान पे आ चुके हैं, तो यहाँ पर जूस हमारा बन रहा है, तो भैया जी बना रहे हैं, तो गाइस आ गई हमारे शेक बन के तैयार हो गया, तो पीते दीपक भाई चख लो तुम भी, तो गाइस दीपक भाई भी हमारे साथ आए हुए हैं, ये भी शेक पीने पीते हो जब, तो गाइस जूस पी के हम आ गए, तो दीपक भाई अभी तक वहां पर ही एक पीछे तुम देख सकते हो, वो अभी तक जूस पी रहे हैं, तो चलते हैं अब घर। तो हेलो गाइस, तो मैं पीडीएफ निकाल के आ गया, तो ये रही दो पीडीएफ तुम देख सकते हो, तो गाइस ये मैंने निकाल दिया, तो दीपक भी था, दीपक अपने घर चला गया। तो गाइस आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करियो, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।